हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू राम्स लाइफ चैनल गाइस। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है अभी बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इश्यूज़, क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है और क्या नहीं हो रही है, कितना इम्पेक्ट हुआ है इस चीज़ का, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो गाइज़, यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना बहुत ही पहले स्टार्टिंग में ही बंद कर दी गई थी, जब यहाँ पर कुछ केसेस के लिए ऑब्जर्वेशन चल रहा था, मतलब कंफर्म नहीं थे केसेस, तभी से क्लोज कर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना को। सो एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज़ उन लोगों ने की है। उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी में सर्विसेज प्रोवाइड होती है, वो सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जिम और सब चीज़ें ऑलमोस्ट अभी क्लोज कर दी है। और रजाइना की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर भी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़, जो भी कुछ मॉल्स थे और कुछ गारमेंट्स की जो शॉप्स थी, वो सारी लगभग बंद कर दी गई है अभी इस वक्त। बट फिर भी इतना अच्छा स्टेप्स नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर कोई इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं है दोस्तों, सच में बताओ तो, बिकॉज़ यहाँ पर बस सर्विसेज चल रही है, बिकॉज़ दे काउंट द बस सर्विस एज एसेंशियल सर्विस फॉर द पीपल, सो दे आर नॉट गोइंग टू क्लोज डाउन द ट्रांज़िट इन कैनेडा। इवन यू कैन फाउंड द सेम थिंग इन द USA ऑल्सो, इवन इन द न्यूयॉर्क यू कैन चेक द नंबर ऑफ केसेज ओवर देयर, बट स्टिल द ट्रांज़िट बसेज एंड ट्रेन्स आर स्टिल गोइंग ऑन ओवर देयर। सो आई डोंट नो वॉट दे आर गोइंग टू डू गाइज। वन मोर थिंग दैट हियर, वॉलमार्ट सुपर स्टोर्स, शॉपर्स ड्रग मार्ट, डोलरामा काइंड ऑफ स्टोर्स, एवरी स्टोर इज ओपन। दे हैव रिड्यूस सम आवर्स ऑफ द ऑपरेशन, बट दे आर स्टिल ओपन। And main thing is that the Walmart, because they don't have any limit of the people that can enter at a time in the Walmart, so you can find out so many people are in the Walmart at the same time, so it is not good guys, but this is what it is in these countries। And हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर जो Indians हैं वो यहाँ पर job कर भी रहे हैं, और बता नहीं क्या होगा उसका, और सिक लीव्स ले रहे हैं कुछ फ्रेंड्स मेरे, बट अभी कंफर्म वो लोग जॉब छोड़ नहीं रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर सब लोग एक्चुअली जॉब पे आ रहे हैं, इवन कैनेडियंस आल्सो। सो पता नहीं आगे क्या होगा। हम कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी जॉब भी स्टॉप कर दें, बिकॉज़ यहाँ पर गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा एनफोर्समेंट नहीं डाल रहा है, सो you can still found the people walking around and everything is going on over here, that's not actually good। step jo india ne liya hua hai abhi wo ek bahut acha hai, aur hamara tension uske hisab se thoda kam hai, because yahan ke bahut sare logo ko tension hota rehta hai india ke bare mein, aur wahan ke parents ko tension hota rehta hai apne bachcho ke bare mein जो कि कनाडा, USA और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में है उनके बारे में। बट मेरी पर्सनल बात बताओ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन है मेरे पेरेंट्स के बारे में, बिकॉज़ माय मॉम इज़ अ नर्स एंड दे कैन नॉट स्टे इन द हाउस। इंडिया इज़ कम्प्लीटली लॉकडाउन फॉर द 21 डेज। आई होप दे विल फॉलो द रूल, द पीपल विल फॉलो दिस लॉकडाउन, अदरवाइज इट विल बी वेरी डेंजरस। एंड ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रिलैक्स हो रहा है हमको भी, कि हमारे पेरेंट्स ऐसे बाहर नहीं जा रहे, हालांकि मेरे मदर को जाना पड़ता है बिकॉज शी इज़ अ नर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। सो वो टेंशन तो रहता है, रात को नींद भी नहीं आती कभी कभी, बहुत ज़्यादा टेंशन है, वीडियोज़ देख के डर लगता है। सिचुएशन तो बहुत डेंजर है दोस्तों, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ये सारा सिनारियो है यहाँ पर रजाइना में। और कनाडा के बारे में थोड़ी चीज़ें बताओ दोस्तों, तो यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, क्यूबेक में 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है, ओंटेरियो में भी करीब 1000 के नज़दीक है, सेम ब्रिटिश कोलंबिया में भी है। सस्केचवन की पर्टिकुलर बात करूँ तो यहाँ पर करीबन 87 केसेस अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कन्फर्म बताए जा रहे हैं, हालाँकि उससे थोड़े ज़्यादा होंगे बिकॉज अपडेट लेट होती है वो वेबसाइट। सो करीबन 90 केसेस के करीब मान लो अभी सस्केचवन में कंफर्म्ड केसेस है, और उसमें से 20 या फिर 21 शायद, जो मैंने नंबर्स देखे उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, तो रजाइना में स्पेसिफिकली कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस हैं। सो डरने की बात तो है दोस्तों, और यहाँ पर
मैंने देखा है काफ़ी ओल्ड एज वाले भी जो यहाँ के लोकल्स है वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। सो आई डोंट नो हाउ दिस कंट्रीज़ आर गोइंग टू कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ द वायरस। यू हैव टू हैव सो मच डिसिप्लिन एंड सो मच एनफोर्समेंट बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ द वायरस। एज यू कैन सी इन द चाइना और इन द साउथ कोरिया दे आर डूइंग वेल। आई होप द स्टेप दैट इंडिया हैज़ टेकन दैट इज़ रियली गुड। ये शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉकडाउन होगा 1.3 बिलियन पीपल का। सो आशा रखते हैं कि हमारे सब लोग सपोर्ट करें वहाँ से। सभी लोग बोल रहे हैं लोगों को कि इस लॉकडाउन को फॉलो करें। सो 21 डेज़ में जो भी उन लोगों ने प्लान किया है उस हिसाब से सब हो जाए तो सारे केसेस मिल जाए, और उसके बाद एक भी केसेस ना हो बाहर तो फिर कंट्री को सील कर सके, मतलब बॉर्डर क्लोज कर सके और स्टेट की बॉर्डर भी क्लोज रखे, और फिर वो लाइफ शुरू कर सकते हैं हमारे इंडिया में। सो होपफुली ऐसा हो तो बढ़िया है, पर फिर भी केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि कम है बट स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। सो अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन है इंडिया के बारे में। सो ये थी सारी बातें कनाडा के बारे में, और आई होप कि सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ जाए। लग नहीं रहा है बिकॉज़ वैक्सीन के बारे में जो न्यूज़ आ रही है उसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है, सब लोग बोल रहे हैं। सो अभी तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से ये चीज़ कंट्रोल में आ जाए, और पता नहीं आगे क्या होगा। सब लोग अलग अलग है, मेरे फैमिली के माई पेरेंट्स आर इन इंडिया, माई ब्रदर इज़ इन ऑन्टारियो, आई एम हियर इन सस्केचवन। आई डोंट नो, सो डेंजरस, या इट्स डेंजरस फॉर एवरीवन एंड पता नहीं क्या होगा। सो और पता नहीं क्या कहना था इस वीडियो में, बस यही सारी चीज़ें सी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पर। सो आई थिंक दैट द सिचुएशन इज़ मोर बेटर एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप्स, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन द बेस्ट स्टेप्स कम्पेयर टू ऑल द अदर कंट्रीज। यू कैन सी द पीपल आर रियली रोमिंग अराउंड ओवर हियर, सो इट्स नॉट सो गुड इन द कंट्रीज लाइक कैनेडा, यू एस ए, इवन ऑन इन ऑस्ट्रेलिया। आई हर्ड दैट द स्कूल्स आर ऑल्सो ओपन, सो आई डोंट नो वॉट दिस कंट्रीज आर डूइंग दे। The economy is more important or the people are more important for them, that I am not able to understand. So yeah दोस्तों, यही सारी बातें थी जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। So I hope के आपको जो information चाहिए थी यहाँ के बारे में वो मिल गई होगी, और if you have any more questions then please do mention in the comment section below। इसके ऊपर वायरस के इश्यूज़ के ऊपर मैंने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ और क्यू कार्ड में देता हूँ। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड स्टे इनसाइड द हाउस एंड वॉच मोर वीडियोज। दैट्स इट बट टुडे आई गेस इन दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर माई फ्रेंड्स एंड बाय बाय, स्टे सेफ।